हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये दो ब्लूटूथ पैनल है जो कि MP3 ब्लूटूथ पैनल इसको बोलते हैं, जो कि इसको एम्पलीफायर और जो है होम थिएटर टावर में लगाते हैं। और दोस्तों इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है जो कि आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोग ये ब्लूटूथ पैनल देख सकते हैं जो कि ये हमारे पास आया हुआ है और ये नया है, बट इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि जो दोस्तों सेंसर नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों आप हम इसको 5 वोल्ट लगाते हैं और उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं इसमें सेंसर की प्रॉब्लम जो है आ रही है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये 5 वोल्ट का कनेक्शन है। पहले हम 5 वोल्ट का कनेक्शन लगाते हैं और दोस्तों ये हमारा रिमोट है। देखिए दोस्तों, ये हमारा रिमोट नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों इसको कैसे सही करेंगे वो भी बहुत आसानी से आप लोग को बताते हैं। दोस्तों पहले क्या करेंगे, दोस्तों पहला हमारा काम है इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। और पहले हमें इसको सेंसर को जो है ये हमारा दोस्तों सेंसर है, ये आप लोग देख सकते हैं ये सेंसर है, इसको हम चेंज करेंगे। उसके बाद देखते हैं ये सही होता है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों पहला काम हमारा यही होता है। और हमारा रिमोट सही है क्योंकि हम उसको हर सेट में यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको निकाल दिया और अब हम इसको इस तरीके से साफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, साफ हो गया। अब हमारे पास एक पहले से सेंसर पड़ा हुआ था और इसको हम लगा देते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसको लगा दिए और अब हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं सेंसर काम करता है कि नहीं। थोड़ा सा सोल्डर ज़्यादा लग गया है, हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और जो है सोल्डर आसानी से साफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसको लगा दिया। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं हमारा सेंसर काम करता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें अभी भी दिक्कत बता रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इसकी IC की प्रिंट हमको देखना है। दोस्तों इस तरफ की हमारी IC की प्रिंट है, इसको हमें सोल्डिंग करना है और हल्का सा हम पेस्ट लगाएंगे पहले इसमें। दोस्तों देखिए, इसमें हम पहले पेस्ट लगाएंगे इस तरीके से और उसके बाद दोस्तों इसको इस तरीके से सोल्डिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसको आसानी से सोल्डिंग कर दिया। अब हम जो है इसको देखते हैं काम करता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, अब ये काम करने लगा। देखिए, इससे पहले नहीं काम करता था। देखिए दोस्तों, और हम इसको चलाकर भी आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये अब सनसनाहट इसमें आने लगी। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, और इसको म्यूट करके हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए दोस्तों, ये म्यूट हो गया। इस तरीके से आप लोग आसानी से सही कर सकते हैं। और दोस्तों, और ये कॉमन प्रॉब्लम मैंने जो है कई दफ़ा इसको सेंसर से भी हो जाता है और कई दफ़ा इसको IC से भी होता है। दोस्तों इसको हम जब 5 वोल्ट लगाते हैं तो दोस्तों ये ऑन नहीं होता है। तो दोस्तों अभी हम इसको थोड़ा सा IC को हीट करेंगे हॉट गन मशीन से, उसके बाद देखते हैं ये चालू होता है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों मुझे लग रहा है कि जो है इसमें जो है IC की शॉर्टिंग सही से नहीं हो रही है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मशीन लगाएंगे और इसमें इसको थोड़ा सा हम हीट करेंगे और दोस्तों मशीन गर्म हो रही है 1 मिनट और अब हम इसको, और दोस्तों ये हमारा लिक्विड पेस्ट है जो कि इसको हम इसमें डाल देंगे तो जो है कहीं भी IC की शॉर्टिंग वगैरह होगी वो जो है टाइट हो जाएगी और IC सही से पकड़ लेगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें चारों तरफ से IC को जो है सोल्डिंग वो हीट करना है और उसके बाद IC को हल्का हल्का हिलाना है हमें।
देखिए दोस्तों मैंने इसको हिला दिया, मशीन को बंद कर देंगे और थोड़ा सा दोस्तों इसको जो है ठंडा होने देंगे, क्योंकि दोस्तों काफी हीट हो गई है, हो गया है हमारा ब्लूटूथ पैनल। दोस्तों इस तरीके से आप लोग आसानी से सही कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना दोस्तों। और दोस्तों कोई डाउट है तो अबाउट सेक्शन में नंबर मिलेगा, आप बात कर सकते हैं मेरे से। अगर आपके पास ब्लूटूथ पैनल खराब है आप सही करा सकते हैं। अगर आप लोग को नया ब्लूटूथ पैनल खरीदना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अभी भी हीट है इसमें, हीटिंग है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा हीटिंग दिख रहा है इसमें। अब दोस्तों हम इसको एक बार लगा कर देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये ब्लूटूथ पैनल हमारा ऑन हो गया और ये एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले ये ऑन नहीं हो रहा था, आप लोगों को चला कर दिखाया था। और इसमें इसको अभी हम FM चला कर हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों इसको दोस्तों ज्यादा नहीं चला सकते क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मैंने निकाल दिया। और दोस्तों इस तरीके से आप लोग आसानी से डेड ब्लूटूथ पैनल आसानी से सही कर सकते हैं। और दोस्तों कई लोग ऐसा बताते हैं कि जो है ये ब्लूटूथ पैनल अगर डेड है तो सही नहीं हो सकता, सही हो सकता है, बट दोस्तों आप लोग को सही करने आना चाहिए। और दोस्तों मुझे आता है तो मैं इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ। और दोस्तों आप लोग आसानी से इसको सही कर सकते हैं हमारी वीडियो देखकर, क्योंकि दोस्तों हम अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप लोग को जो है सीखने के लिए कि आप लोग आसानी से घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।